हेलो गाइस, आज मैं आपको डाहट्सु कोपरोव एसके इंजन के बारे में बताने वाला हूँ। इसका इंजन कितने 100 cc है, इसके फ्यूल टैंक में कितने लीटर पेट्रोल आ सकता है, और साथ ही साथ मैं इसकी एक टेस्ट ड्राइव भी लूँगा जिसमें मैं इसको फुल स्पीड में भगाऊँगा भी। तो आइए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा नाम है मैक्सवेल और आप देख रहे हैं तो गाइस, आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका बोनेट हम कैसे खोल सकते हैं। तो हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे और यहाँ से मैं खोलूँगा और यहाँ से मैं इस लीवर को बाहर को प्रेस करूँगा ज़ोर के, और इसका बोनेट ओपन हो चुका है। अब मैं इसका बोनेट ओपन करूँगा, इसके अंदर एक छोटा सा लीवर है, इसे मैं प्रेस करूँगा जो आम गाड़ियों में होता है, और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। वेल गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इंजन 660 cc है, जितना कि आम गाड़ियों का होता है। इसके अंदर एक ये बैटरी होती है, यहाँ पर इसका कंप्यूटर है, यहाँ पर इसका रेडिएटर है जैसा कि आम गाड़ियों का होता है, यहाँ पर इसके अंदर टर्बो लगा हुआ है, ये देखें ये टर्बो लगा हुआ है। वेल गाइस, वैसे तो इसका इंजन 660 cc है, लेकिन टर्बो होने की वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में भागती है। इस गाड़ी का वेट भी तकरीबन 800 kg है, तो इसकी पिकअप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मतलब कि ये 11 से 12 सेकंड में 0 to 100 जा सकती है, 0 to 60 शायद जा सकती है। इसका इंजन बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ है। जैपनीज कार है तो टेक्नोलॉजी तो इसकी अच्छी होगी होगी। यहाँ से हम इसके अंदर फ्लूड वगैरह चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इसका विंडो का फ्लूड होता है स्क्रीन का, और यहाँ पर इसका रेडिएटर का फ्यूल लोड होता है यहाँ से, और इंजन बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट किया हुआ है उन्होंने। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका बोनट और गाड़ी के अंदर इंजन कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो गाइस, अब मैं आपको इसके इंजन का साउंड सुनवाऊंगा। और अभी मैं आपको इसके बैक साइलेंसर का साउंड भी सुनवाऊंगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, 660 सीसी होने के बावजूद भी। इसके अंदर वही ऑल्टो का नॉर्मल इंजन आता है, लेकिन टर्बो होने के साथ साथ और जैपनीज टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पर अब मैं आपको इसकी एक टेस्ट ड्राइव भी दिलवाऊंगा। तो गाइस, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ और अब मैं इसे स्टार्ट करूँगा। तो गाइस, अब ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं इसे पार्किंग से निकाल के इसे ड्राइव पर ले आऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डी पर आ गई है, और अब ये ऑटोमेटिक गियर में चलेगी। जैसा अब मैं सिर्फ रेस पैडल पर दबाऊंगा तो ये गाड़ी चलेगी जैसे आम गाड़ियाँ ऑटोमेटिक चलती हैं। अब मैं इसे मैनुअल में चलाना चाह रहा हूँ, ऑटोमेटिक में नहीं चलाना चाह रहा, तो मैं इसे सिंपली तौर पर इधर आऊँगा और इधर मैंने इसे मैनुअल पे कर देना है, राइट साइड को पुश कर देना है, और आप देख सकते हैं ये एस लिखा गया है। अब मैं जैसे ही इसको आगे को करूँगा तो इसका फर्स्ट गियर लग जाएगा, देखें अब ये फर्स्ट गियर में चल रही है। अब मैं इसे दोबारा प्रेस करूंगा आगे को, ये मैंने प्रेस किया, नहीं अभी फर्स्ट गियर में ही है क्योंकि स्पीड थोड़ी है, अब ये सेकंड गियर में भी हो गई है। इसी तरह से अब मैंने गियर निकालना है तो मैं इसे पीछे को प्रेस कर दूंगा, ऐसे ऐसे, तो ये फर्स्ट गियर में दोबारा आ जाएगी। तो गाइस, मैं इसे इसी तरह से ऑटोमेटिक से मैनुअल में भी चला सकता हूँ इस गाड़ी को, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसे सेकंड गियर में कर लिया है और अब ये थर्ड गियर में हो गई है, और साथ ही मैं इसे फोर्थ गियर में शिफ्ट कर दूंगा, और साथ में मैं इसे फिफ्थ गियर में भी शिफ्ट कर दूंगा, ये देखें। इस गाड़ी की जो ड्राइव है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जैसा कि इसके ऊपर कोई रूफ, अब मैंने रूफ उतारा हुआ है इस वक्त। अब
मैं गाड़ी की स्पीड स्लो कर रहा हूँ तो ये इसके गियर जो होंगे खुद ही निकलते जाएंगे, मतलब ये गाड़ी बंद नहीं होगी इसके गियर जैसे। अब मैं स्पीड स्लो की है, मैंने किसी हैंडल को नहीं दबाया, लेकिन अब इसके गियर खुद ब खुद ही सारे निकल गए हैं क्योंकि ये गाड़ी बंद नहीं होगी अगर आप इसे मैनुअल में भी चला रहे हैं तो। लेकिन गियर आपको खुद डालना पड़ेगा, वो खुद नहीं डलेगा। ये थर्ड हो गया, अब मैं इसे फोर्थ कर दूंगा, अब ये फिफ्थ हो जाएगा और अब ये खुद ब खुद ही निकल जा रहे हैं। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी बगैर रूफ के आ रही है और ये कितनी कमाल लग रही है। जस्सी सुपर। गाइस अब आप देख रहे हैं ये गाड़ी भी रूफ जा रही है और अभी कमाल लग रही है। तो गाइस अब मैं आपको तीन अहम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट इसकी स्पीड कितनी है, सेकंड इसके फ्यूल टैंक में कितना पेट्रोल आ जाता है और इसकी एवरेज क्या है, थर्ड इसकी प्राइस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्पीड की बात की है, इसकी स्पीड टोटल 140 किलोमीटर की है और ये 140 किलोमीटर पूरा भागती है। 140 के बाद इसका इंजन ट्रिप कर जाता है, उससे ज़्यादा नहीं भागती। सेकंड देखा जाए तो इसका फ्यूल टैंक में तकरीबन 25 से 30 लीटर पेट्रोल आ जाता है और इसकी एवरेज इन द सिटी 12 से 18 किलोमीटर है, आउट ऑफ द सिटी 17 किलोमीटर से लेकर 22 से 24 किलोमीटर तक चली जाती है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है। थर्ड इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस 16 लाख से लेकर 25 26 27 लाख तक भी हो सकती है। ये इसके मॉडल पे डिपेंड करता है कि ये 2014 में है, 15 है, 16 17 18 और इसका वेरिएंट क्या है, मतलब इसका ग्रेड क्या है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, फुल ऑप्शन है। इसकी प्राइस जो 14 15 16 मॉडल है उसकी प्राइस हम 16 17 लाख से लेकर 22 23 लाख तक होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।